अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अहमद, आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत है जी। आज की हमारी राइड जो है वो एयरपोर्ट की तरफ है, तो आज हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको रास्ते में रिव्यू देते जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी, तो हमारे साथ बने रहिए, आपको मज़ीद हम अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते रहेंगे, अच्छे अच्छे लोकेशन पे लेके जाएंगे आपको। इंशाल्लाह दमाम का मुकम्मल विजिट कराएंगे, मुकम्मल दमाम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जी। तो अभी हम रास्ते में निकल रहे हैं, ये सामने जी मरीना मॉल मरीना रोड पर है, मरीना मॉल क्रॉस करने लगे हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कंट्री से, कौन से सिटी से देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जी मरीना मॉल आ गया, आप व्यूज चेक करें माशाल्लाह, माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन सिटी है। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, कैसी लोकेशन है, उस सफाई सफाई का आप देख लें इस तरह जो है, बिल्कुल साफ सुथरा रोड है, कहीं पे आपको किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं मिलेगी। सामने शेरटन होटल है, अभी हम मुजरिया में एंट्री करने वाले हैं, तो मुजरिया से होके तो हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगे जी। तो माशाल्लाह आप देखें किस तरह साफ सुथरे रोड है, तो गाइस फाइनली हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, आप चेक करें इंशाल्लाह। अब वापसी का सफ़र करते हैं, तो मिलते हैं तो ब्रेक के बाद जी। ये दमाम एयरपोर्ट आप अंदर देख सकते हैं, ये पार्किंग एरिया है दमाम एयरपोर्ट का माशाल्लाह जी। यहाँ का आप निज़ाम चेक करें, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, और रोड चेक करें, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, ट्रैफिक का बाकायदा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता ही नहीं है, जितने मर्जी गाड़ियाँ वगैरह आ जाएँ, बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ। तो अभी हम दमाम के लिए वापस निकल चुके हैं, तो एयरपोर्ट दमाम से बाहर है, तकरीबन दमाम से 45 किलोमीटर का सफ़र है, अभी हम वापस जा रहे हैं, वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो चुका है जी। आप व्यू चेक करें माशाल्लाह, मुकम्मल अपना रेगिस्तान बना हुआ है, अभी कोई आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो बारिश वगैरह हुई है तो उनकी वजह से झाड़ियाँ हो गई हैं, तो बिल्कुल ये रेगिस्तान, बिल्कुल रेत, और इतनी गंदी हवा चलती है कि रोड पे तकरीबन आधे रोड पे रेत होती है। अभी कुछ मौसम ठीक है, अभी अगस्त में मौसम ख़राब होगा जी। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, अभी हमारी हौसला अफजाई, और जो दोस्त में कमेंट्स में करेंगे उनको इंशाल्लाह प्रॉपर कमेंट्स का
रिप्लाई दिया जाएगा। आप चेक करें, रोड चेक करें आप। तो जी आप कैसा लग रहा है आपको? आपने कमेंट लाजमी करना है, कमेंट में आपने बताना है कि जी आपको कैसा लगा। जी ये देखिए जी, मुकम्मल जंक्शन आपको दूर दूर तक सब आपको रेत ही रेत नजर आएगी। ये दमाम एयरपोर्ट जो है बिल्कुल शहर के बाहर बना हुआ है जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्या माहौल है दमाम का, और आप तो इससे अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे गर्मी की क्या सूरत हाल होगी, कितनी गर्मी होगी यहाँ पे। और आज का टेम्परेचर आप देखें गाड़ी में शो कर रहा है, इस टाइम भी देखें और टेम्परेचर भी चेक करें, तो सोचें फिर दोपहर में क्या सूरत हाल होगी। आपने कमेंट लाजमी करना है और वीडियो को लाजमी लाइक करना है, उससे लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है कि जी माशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई है। जी तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपका माहौल? आप लोकेशन चेक करें, बिल्कुल 44 10 मिनट के ड्राइव पर हम शहर में इंटर हो जाएंगे। दमाम में सब्जा बस यही है, आर्टिफिशियल सब्जा तकरीबन समझ लें। और जो हम अक्सर पाकिस्तान में घरों के आगे बाड़ लगाते हैं ना, यहाँ पे तकरीबन आपको 90% वही दरख्त मिलेंगे, या यहाँ पे जो है ना बेर का दरख्त ज़्यादा पाया जाता है। खजूर तो वैसे ही आम है यहाँ पे, लेकिन दरख्तों में जो है ना बाढ़ सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे बेर। बस हमारी थोड़ी सी ड्राइव बाकी है, उसके बाद हम शहर में इंटर होंगे। आप लोकेशन चेक करते जाए माशाल्लाह, निगाह जो सर आपको रेगिस्तान ही नजर आएगा। हाँ जी, यहाँ से तकरीबन जो सर में शहर का माहौल लगना शुरू हो गया है, तो अभी भी काफी टाइम है शहर में इंटर होने में। चेक करते जाए माशाल्लाह, आप माहौल चेक करें कि माहौल कैसा है यहाँ पे, खूबसूरती चेक करें। तो कमेंट्स में अपने माशाल्लाह सुभान अल्लाह का जो कमेंट्स लाजमी करना है आपने। देखिए अल्लाह ताला की नेमतों में से है, अल्लाह ताला की बरकतें हैं। और ये सामने जी हमारा कारफोर आ रहा है जी, कारफोर मॉल है जी, बहुत बड़ी मार्केट है ये कारफोर। शायद ये आ गया जी फास्ट फूड हर्फी आ गया जी। अब लोकेशन चेक करते हैं माशाल्लाह जी, चेक करें जी आप व्यू चेक करें।
کتنا خوبصورت ویو ہے. چیک کریں آپ. سبحان اللہ. ابھی ہم بس چند کلو میٹر ہیں اور ہم شہر میں انٹر ہو جائیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا ویڈیو دیکھ کے. آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے, آپ کو دمام کی لوکیشن کیسا سٹی ہے, کیسا آپ کو پسند آ رہا ہے. لازمی آپ جو ہے نا کمنٹ کیا کریں, اور کمنٹس کا ہم انشاءاللہ آپ کو پراپر رپلائی بھی دیا کریں گے. ماشاء اللہ جی, چیک کریں جی, ہم شہر میں انٹر ہونے والے ہیں. سامنے جی میکڈونلڈ آ رہے ہیں دوسری سائڈ سے. چیک کریں جی, ماشاء اللہ جی, تو ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں سٹی کے اندر. آپ چیک کرتے جائیں ماشاء اللہ. یہ سامنے جی اس سائڈ پہ نخیل مال ہے جی, ماشاء اللہ یہ بہت بڑا مال ہے, دنیا کی ہر آسائش اس کے اندر موجود ہے. چیک کریں آپ اس کی پارکنگ, چیک کریں کتنی بڑی پارکنگ ہے یہاں پہ. آپ جتنے بھی مالز وغیرہ دیکھیں گے نا سعودی امریکہ عرب کنٹریز میں, تو اتنے ان کی لوکیشن پہ بلڈنگ تیار نہیں ہوتی جتنی ان لوگوں کی پارکنگ ہوتی ہے. پارکنگ بہت بڑی ہوتی ہے. چیک کریں جی ماشاء اللہ. جی سامنے البیک آ رہا ہے جی, یہ ہم اس ٹائم ہے دمام میں 91 میں. ماشاء اللہ جی, چیک کریں جی کتنے خوبصورت بلڈنگ ہیں یہاں پہ. لوکیشن چیک کریں ماشاء اللہ جی. جی اس سائڈ پہ اب فیصلیا ہے, اور اس سائڈ پہ جو سنا یہ ہے 71. جی آپ لوکیشن چیک کرتے ہیں ماشاء اللہ جی. اب ہم فائنلی جو ہے دمام سٹی میں انٹری کر چکے ہیں. ماشاء اللہ جی, چیک کریں کتنا خوبصورت سٹی ہے جی. تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں جی, تقریباً 10 منٹ کی رائڈ ہے, تو ہم اپنے لوکیشن پر ہوں گے. سٹی کے نظارے لیں, ماشاء اللہ کتنا خوبصورت سٹی ہے. جی ماشاء اللہ جی, آپ چیک کریں جی ماشاء اللہ, سٹی کے ویوز چیک کریں. ایسے نظارے آپ کو روز بروز دیکھنے کو نہیں ملنے. چیک کرتے جائیں, دیکھتے جائیں ماشاء اللہ جی. آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو دمام سٹی کیسے لگ رہے ہیں.
उम्मीद है आपको शहर पसंद आया होगा। अब यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिखाने वाला है और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। आप तमाम सिटी आपको पूरा एक्सपोज करके दिखाएंगे हम। यहाँ के हम आपको इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे खाने भी आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से और कितने टेस्टी खाने होते हैं। किस्म का आपको खाना मिलेगा, पूरी दुनिया का जितने भी कंट्रीज है ना, सबका हर किस्म का खाना आपको यहाँ पर मिलेगा और इंशाल्लाह आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे बताएंगे आप। माशाल्लाह जी, आप चेक करें, नज़ारे चेक करें जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है। अपने कमिट्स लाजमी करने हैं, तो उससे यह कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि माशाल्लाह जी आपको चीज़ पसंद आ रही है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में इस अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह जी, आप चेक करें जी, कितने खूबसूरत व्यू मिल रहे हैं आपको। माशाल्लाह आप सिटी के नज़ारे ले लीजिए, कितना मज़ा आ रहा है, कितना खूबसूरत है तमाम शहर। ऐसे नज़ारे आपने पहले नहीं देखे होंगे और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखाते रहेंगे। चेक करें जी, माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है। जी हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जी, तो बस हमारे व्लॉग का भी यहीं पे एंड होता है। तो आज आपका और हमारा साथ आज तक का यही था। इंशाल्लाह हमारी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा जी।